राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो भैया आज हम जा रहे हैं पुरका जी किसी काम से, और हमारे साथ में हमारे अमरकान जी, और अभी तीसरे हमारे जो मित्र हैं वो भी अभी मिलने वाले हैं, मिलाते हूँ आपसे उनको। दोस्तों वो हमारे तीसरे जो हमारे मित्र हैं वो भी जुड़ने जा रहे हैं अब। तो आ गए हैं हमारे तीसरे मित्र मिस्टर योगेंद्र भैया। हाँ जी सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर। और ठीक हो? बहुत बढ़िया। और क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहा था अपने। ड्यूटी? छुट्टी पे हो, क्या करा जा? अब भाई तीन तीन नौकरी का मजा तो एक ही आदमी ले सके। तीन तीन नौकरी का मजा ले रहा मेरा भाई। लेकिन एक सेकंड भाई, तीन तीन नौकरी का मजा तो एक ही आदमी ले सके। तीन तीन नौकरी का मजा ले रहा मेरा भाई। तो आप तो पुरका जी में रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। तो पुरका जी की चाट तो आपने बहुत खाई होगी। बहुत बढ़िया चाट है, रमणी चाट है, इतना बढ़िया टेस्ट है। क्या बोला तूने? देखो ये हाईवे पे जो है गुप्ता जी चाट वाली दुकान, भाई तो भरत वाली चाट खिलाएंगे आप। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपको ही भरत है मेरे व्रत वाली चाट। व्रत वाली चाट और सुनाओ, बाइक अच्छी चल रही है आपकी? बाइक लिया आपने? सुना नहीं, नई बाइक लिया आपने? कौन सी ली सर? टीवीएस राइडर। तो आप तो राइडर हो गए अब? हाँ जी बिल्कुल। सर यहाँ जरा साइड में लगा लियो आप, सीधे चलेंगे बाद में रोकेंगे। अभी ली जाएगी पानी, ली जाएगी पानी भी वैसे ऐसा। तो पानी तो दो तीन लीटर लेना पड़ेगा, रास्ता लंबा है हरिद्वार का भाई। योगेंद्र जी मुस्कुरा दो। मैं तो मुस्कुरा ही रहा भाई। तो भाई हम चल दिए हैं पुरका जी से अपना काम करके। तो अब हमारे जो योगेंद्र भैया जी हैं, इनको बहुत तेज भूख लग रही है और फास्ट है इनका आज। तो कमेंट सेक्शन में तो अब जरा इनको कुछ व्रत का खिलाया जाए। तो आप क्या कहोगे इस बारे में? बस भैया मैं तो ये कहूंगा वहां जो है चार पांच तो बर्फी खा ली अगले ने, ठीक है, एक दो गिलास इसने दूध पी लिया। अब पता नहीं पेट ले रहा कि ड्रम काहे में भर रहा है, हमें ये नहीं पता चल रहा। बोतल वोदका काम मेरा रोज का, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाए। अभी भी भूख लग रही है अगले को। योगेंद्र जी जी, कितने गिलास दूध पिया आपने? दो गिलास। दो गिलास फिर भी भूख लग रही है। 250 ग्राम बर्फी खा ली अगले फिर भी भूख लग रही है। भूख लग रही है। तो सर एक बात तो बताओ, मैं खाते पीते घर जाऊंगा, खाना तो पड़ेगा ही। रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है ना। की तड़प ही ऐसी है। चलो आगे वहां रोक दो। कहाँ रोकनी है इसे? तो बंद। तो भैया अभी पिछले 15 मिनट से विकास जी तो गाड़ी चला रहे हैं, योगेंद्र भैया पीछे बैठे हैं, और 15 मिनट से 20 मिनट से हम लोग एक चीज ढूंढ रहे हैं जो हमें पिछले 8 किलोमीटर से तो मिली नहीं है। अब देखो चीज का नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता आपको यहाँ, लेकिन ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट 30% लोगों की रिक्वायरमेंट होती है जब किसी दावत में वो जाते हैं उसके बाद। अब आप समझ लो या तो डाइजेशन के लिए कोई चीज है, या वो तो आप लोग गेस कर लो, मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इस चीज के साथ साथ हम लोग एक डिस्कशन ये कर रहे थे कि भैया घूमने का प्रोग्राम कहीं बना ले। अब उस दिन तो मैंने आपको बताया था भैया कि मनाली चल लेंगे, यहाँ चल लेंगे, वहां चल लेंगे, धनोल्टी चल लेंगे, लेकिन आज क्योंकि तीसरे मेंबर हमारे साथ मौजूद है
तो आज इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका जाने का कहां, जिनकी वजह से हमेशा प्रोग्राम कैंसिल होता है। ये वही बंदे हैं जिनकी वजह से हमेशा हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। इस बार अगर कैंसिल करा तो स्पॉन्सर यही करेंगे टूर को भी। और भैया चार चार फुट बर्फ इनसे भाई साहब से हाँ या ना करो भी। जी भैया योगेंद्र भैया आप जी, जी, जी बोलिए सर। नहीं हमें कुछ नहीं बोलना, आप तो बोलना आपको है। आप बताइए क्या आप प्रोग्राम कहाँ का बनाओगे, आप मुझे ये बता दो। इस वाले हाथ से पकड़ेंगे तीन दिन के लिए। प्रोग्राम बनाएंगे हम मनाली का बनाएंगे। नहीं नहीं आप प्रोग्राम जहाँ का भी बनाओ, देखो आने वाले कुछ दिनों में बना लो, क्योंकि दिक्कत क्या है कि आपका तो रिकॉर्ड है कि जब भी आपने प्रोग्राम बनाया तो कैंसिल ही करा है। अच्छा तो हमारा तो आप हमारे जो यूट्यूब फैमिली है दर्शक है वो जानना चाह रहे हैं। आप नहीं नहीं प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे। नहीं कैंसिल नहीं करोगे, अगर किया तो आप पे क्या पेनल्टी रहेगी? कोई पेनल्टी नहीं होगी, पेनल्टी कोई नहीं। चलो खैर दोस्तों ऐसा है अब भैया कह रहे हैं तो होप करते हैं हम दोनों के विकास जी और मैं कि हाँ भाई चलो प्रोग्राम बना लेंगे। लेकिन अब एक चीज और है, देखो ये खुशखबरी वैसे तो आपको दे ही चुके होंगे विकास जी, भाई साहब ने योगेंद्र भैया ने नई बाइक ली है और इस बाइक को लेने में एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी है कि जिस दिन इन्होंने बाइक ली उस दिन हम लोगों को बिल्कुल नहीं बताया, अगले दिन हमें इन्होंने बताया लेकिन सरप्राइज दिया, लेकिन वो सरप्राइज सरप्राइज की तरह हमें लगा नहीं। शाबाश बेटा, क्योंकि आपको भी बताया कि भैया यूट्यूबर होने के नाते हमें तो हर चीज का अनबॉक्सिंग और सब कुछ करना होता है, तो योगेंद्र जी ने वो चीज हम लोगों से छीन ली। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब इस छीनने के लिए इनके ऊपर पेनल्टी हमने डाल दी है, ये फंस गया। और वो पेनल्टी ऐसी डाली है कि हमारी एक सेट जगह है हमें वहां जाना होता है तो उसकी पेनल्टी इनके ऊपर डल चुकी है, जिसके बारे में भी आज हम कंफर्म कर लेते हैं कि वहां लेके जाएंगे या नहीं। ऋषिकेश। तो योगेंद्र जी आपसे फिर हम गुजारिश करेंगे कि आप कुछ बताएं इस बारे में। फैमिली को ऋषिकेश जाएंगे, आप दावत कहाँ बंक स्टे में देंगे? जाएंगे सब जाएंगे और दावत कोई नहीं होगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। नहीं 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 बाइक की दावत तो होनी, बाइक की दावत नहीं होगी ऋषिकेश। देखो हमने जो है वो मुजफ्फरनगर में की है, उसकी दावत यही होगी। कहाँ? मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर करते है। मजा आया। चलो भैया अब देखो ये चीज तो सेट हो गई है कि नेक्स्ट हमारी जो भी ट्रीट होने वाली है इवनिंग ट्रीट वो ऑनलाइन कैमरे पे उतवा रहा हूं। नहीं नहीं भैया देखो ये कुछ भी कहें इस बात को तो मानना पड़ेगा, अब हमारी फाइनल हो गई है, जो भी ट्रीट होने वाली है वो हमारी मुजफ्फरनगर में ही होने वाली है और आने वाले टाइम में हम बहुत जल्दी आपको उस ट्रीट का भी एक छोटा सा व्लॉग बिल्कुल बना के देंगे के, और देखना आप उसमें कितना आनंद, कितने रमणीक जगह और कितने रमणीक माहौल में हम लोगों की दावत होती है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द आपको एक बड़ी ऐसी दावत के साथ, और बाकी अब मेरे भाई विकास जी कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अभी रुक गए थे हम छपार में, और छपार में देखिए हमारे योगेंद्र भैया चुस्कियां लेते हैं चुस्की ले रहे हैं फ्रूटी में फ्रूटी ले रहे हैं भैया, बहुत गर्मी लग रही है। अमरकांत जी आप नहीं ले रहे आप फ्रूटी? नहीं मैं तो भैया फ्रूटी नहीं पीता हूँ। फ्रूटी नहीं पीते आप? कोल्ड ड्रिंक ले लो। ना ना कुछ नहीं, ठीक है तो अभी फ्रूट लेके और चलते हैं हम। अब यहाँ 10 मिनट से हम खड़े हैं जाम में। ओह माय गॉड। हाँ भाई तू चल पहले। यहाँ जाम में फंस गए हैं भैया, यहाँ जाम लगा हुआ है 10 मिनट से। पर हमारे योगेंद्र भैया जाम खुलवाने गए हैं आगे, अभी दिखाते हैं वो कैसे जाम खुलवा रहे हैं। दिखाना जी अमरकान जी जाम, अभी दिखाते हैं। ये आ रहे हैं योगेंद्र भैया, आ रहे हैं योगेंद्र भैया हमारे जाम खुलवा कर, बस लेफ्ट टर्न होना है हमें। आओ योगेंद्र भैया। क्या था वो? मैंने खुलवा दिया है।
वेरी गुड। अभी सारा ट्रैफिक निकलने वाला है। अच्छा, हम भी चांसलर रोड की तरफ मुड़ जाएंगे भाई, लेफ्ट टर्न होना है फिर उसके बाद मेरा अपार्टमेंट आएगा डायमंड टावर। ओह माय गॉड, डायमंड टावर उतर जाऊंगा। नहीं फिर हम आपसे विदा लेंगे। मैं क्या करता हूँ, फिर आप डायमंड पे उतर जाओगे डायमंड टावर, फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में दावत देते हुए। यह है सूर्य कुमार यादव की आतिशी पारी, 22 बॉल में 61 रन। ये देखिए छक्के छक्के बजा रखे थे। ये ले एक और सिक्स, ये लो एक और फोर, भाई साहब छक्का। आतिशी पारी खेल रखी थी आज तो सूर्य कुमार यादव ने। वही आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो, पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।